नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। आप जुड़ चुके हैं, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं भी आपसे जुड़ चुका हूं। अगले आधे घंटे तक हमारी बातचीत होगी, भोर की बात में, आज की बात में। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है उनको। जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। और साथ ही साथ जो लोग इसका बाद में देखेंगे ये प्रोग्राम को, या दूसरे चैनलों पे देखेंगे, फेसबुक वगैरह पे, मेरे फेसबुक पेज पे, तो उनको भी मेरा नमस्कार है। तो शुरू करते हैं आज की बात को। आज हमको आपसे जो बात करनी है ज़्यादा नहीं है। पहली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि भारतीय परिवार जो हैं उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये आज अखबारों में छपा है, सारे अखबारों में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के आया है रिपोर्ट में, और ये सारे अखबारों में छपी है। क्या रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको, और हकीकत क्या है हमारे आपके परिवार की, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, अपने विचार हम आपसे इसके बाद। पहले ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय परिवारों पर, नवर टाइम्स है ये, भारतीय परिवारों पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है और उनकी बचत लगातार कम हो रही है। SBI रिसर्च रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में परिवारों की वित्तीय बचत, यानी जो हमारी बचत है बैंकों में, घरों में या और दूसरी चीज़ों में, करीब 55% गिरकर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 5.1% पर आ गई है। जबकि इन परिवारों पर कर्ज को बोझ दोगुना से भी अधिक होकर 15.6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत से पैसे निकलकर उसका एक बड़ा हिस्सा फिजिकल एसेट्स में चला गया है। 2022-23 में इन पर कर्ज भी 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। इसमें से 7.1 लाख करोड़ रुपए होम लोन और रिटेल कर्ज के रूप में बैंकों से लिया गया है। अब सोचिए कि 8.2 लाख रुपए का करोड़ है इन परिवारों पर, और ज़्यादातर इसमें मध्यम वर्गीय परिवार होंगे मुझे लगता है, और इसमें से भी 7.1 लाख करोड़ यानी करीब करीब 90% राशि जो है, 80-85% राशि वो जो है होम लोन के रूप में लिया गया है और रिटेल कर्ज के रूप में लिया गया है। अभी आगे कह रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान रिजर्व बैंक ने रिपो दर स्थिर रखी थी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया था, जिसके चलते लोगों ने घरेलू बचत करने की बजाय संपत्तियों में निवेश किया। रिसर्च के अनुसार बीते 2 सालों में रिटेल क्रेडिट 55% हिस्सा घर खरीदने, उच्च शिक्षा और वाहनों की खरीद में इस्तेमाल किया गया। पिछले वित्त वर्ष में घरेलू बचत गिरकर GDP के 5.1% पर सिमट गई, जो पिछले 5 दशकों में यानी पिछले 50 सालों में सबसे कम है। जबकि 2020-21 में घरेलू बचत GDP के 11.5% थी, जबकि महामारी से पहले 2019-20 में ये 7.6% थी, अभी ये 5.1% हो गई है। तो रिपोर्ट क्या कहती है, आंकड़े क्या कहते हैं, 2022-23 में 55% बचत में गिरावट GDP के 5.1% पर आ गई। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ बढ़ गया, 15.6 लाख का, 8.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया और कर्ज, 7.1 लाख करोड़ रुपए होम लोन और अन्य खुदरा कर्ज हैं। 2021 में घरेलू बचत GDP के 11.5% के बराबर थी, 2019-20 में यह 7.6% है। उधर शेयर मार्केट से भी खबर है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का गुरुवार को भारत के शेयर बाजार पर असर पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ खुले। यह लगातार तीसरा दिन है जब बाजार ने लाल निशान के में कारोबार किया। 3 कारोबारी सत्रों के भीतर इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों के 5.50 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 5.50 लाख करोड़ रुपया, बताइए। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 66,230 पे बंद हो गया। कारोबार के एक समय यह लुढ़क कर 672.13 अंक तक लुढ़क गया था।
निफ्टी में भी 159 अंकों की गिरावट आई और ये 19,742 स्तर पर बंद हुआ, यानी वहाँ भी घाटा। शेयर बाज़ार में आपने जो होम लोन और कर्ज लोन जो अखबार में लिखा है ये लिया है, उसके अलावा जो आपने अगर शेयर में पैसा लगाया है तो बहुत सारे शेयरों के दाम जो हैं गिरे हैं, शेयर मार्केट का वो है गिरा है, तो इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करें पैसा। और इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा सा मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये अखबार है जिसमें आज नोकिया का, तो ये मुद्दा थोड़ा गरमाया, घरेलू बचत में कमी का मुद्दा गरमाया तो सरकार ने बताया कि लोग कर्ज से घर और गाड़ी ले रहे हैं। ये फ्रंट पेज पे खबर छपी है। देश में घरेलू बचत पिछले 5 दशक में सबसे कम होने का मुद्दा राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर गरमाने के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि भाई क्यों कम हो गया बचत। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लोगों की शुद्ध घरेलू बचत साल 2022-23 में GDP यानी सरल घरेलू उत्पाद का 5.1% रही, जो पिछले 47 सालों का सबसे निचला स्तर है। दूसरी तरफ कर्ज या सालाना वित्तीय देनदारी बढ़कर 5.8% हो गई, जो 21-22 में 3.8% थी। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अच्छे दिनों की ऐसी चपत लगी कि 50 सालों में जनता की बचत सबसे कम हो गई। अब वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को घरेलू बचत में गिरावट को होकर ले रही आलोचनाओं को नकारते हुए कहा कि अब लोग दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश कर रहे हैं और संकट जैसी कोई बात नहीं है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो ट्विटर था, उस पर लिखा कि उपभोक्ताओं का रुझान अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ओर है और यही कारण है कि घरेलू बचत कम हुई है। मंत्रालय ने कहा कि लोग ज़्यादा घर और गाड़ियाँ कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, इससे घरेलू बचत कम हुई है और इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। लोगों ने पिछले सालों की तुलना में कम वित्तीय संपत्तियां जोड़ी क्योंकि उन्होंने अब घर आदि खरीदने के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया है। तो घर के लिए कर्ज कोई आज से तो ले नहीं रहा है, ये जब शताब्दी शुरू हुई 2001 में, उस समय जो रियल एस्टेट था उसमें बूम थी, लोग अथाह पैसा लगा रहे थे, बहुत सारा पैसा जो ब्लैक मनी का पैसा जो था वो रियल एस्टेट में लग रहा था, रियल एस्टेट बिल्कुल बूम पे था। धीरे धीरे क्या हुआ ये आप सबको पता है, उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और अगले 20 सालों में क्या हुआ, मतलब अगले 17-18 सालों में या 15 सालों में, तो वो आपको पता है। तो रियल एस्टेट मार्केट जो है पिछले, अब इधर साल दो साल की बात मैं नहीं करता, लेकिन पिछले 5 साल पहले की, अगर 4 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, तो क्या पोजीशन थी ये भी आपको पता है। रियल एस्टेट के दाम जो है वो वैसे के वैसे थे, दाम बढ़ नहीं रहे थे। सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे रियल एस्टेट का बिजनेस जो है थोड़ा रेगुलेट हुआ, उसमें जो ब्लैक मनी लगता था वो रुक गया, नहीं लगने लगा। तो उसके बाद से कोरोना आ गया, कोरोना के बाद से फिर ये शुरू हुआ, फिर से सारी गतिविधियां आर्थिक शुरू हुई तो लोगों ने थोड़ा बहुत लगाना शुरू हुआ। लेकिन ये बचत कम इसलिए हुआ कि लोग घर खरीदने के लिए पैसा लगा रहे हैं या गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लगा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से मैं इसे सत्य नहीं मान सकता क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि कोरोना ने जो है इस ये सिचुएशन के लिए बहुत हद तक कोरोना भी जिम्मेदार है। कोरोना में क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ और एक बार हुआ, उसके बाद दूसरी बार आया, दूसरा जो लहर आई कोरोना की उसने तबाह कर दिया हम लोगों को। अब दूसरी बार लॉकडाउन लगा, वर्क फ्रॉम होम हो गया, लोग हुआ क्या, कंपनियों ने नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, जिन्हें निकाला नहीं उनकी सैलरी आधी कर दी। 50,000 सैलरी मिलती थी तो उन्हें कहा कि 25,000 में काम करो नहीं तो फिर घर जाओ। तो
और जब लॉकडाउन लगा दो बार, पहली बार और उसके बाद दूसरी बार, तो हुआ क्या कि हमारे बचत का जितना पैसा था, मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ, लोगों ने अपनी सेविंग खाई। किसी के एफडी था वो उसने तोड़वाया, किसी के सेविंग अकाउंट में पैसा था वो उसने निकाल के खाया। वो कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि लोगों ने अपने मकान बेच दिए, फ्लैट बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए या बेच दिए, क्योंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं था इस कोरोना पीरियड में। तो नतीजा ये हुआ, जो मुझे लगता है जिसका भुक्तभोगी मैं हूँ, लोगों ने जिनको तनख्वाह मिल रही थी या जिनके पास एसेट था, जिनके पास कागज़ थे, पेपर तो मेन होते हैं लोन के लिए, तो कागज़ दिखा के लोगों ने पर्सनल लोन ले लिया खर्चे चलाने के लिए, घर के खर्चे चलाने की बात मैं कर रहा हूँ, सामान खरीदने के लिए नहीं, गाड़ी और घर। तो जो बचत थी लोगों की वो बिल्कुल, मेरे ख्याल से, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में या तो आधी हो गई होगी या आधी से कम हो गई होगी। उसके बाद से भी हम स्थिति से अभी बहुत हद तक उबर नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मार्केट में बूम आ गया, मार्केट का मतलब कि नौकरियों की बाढ़ आ गई, या इतने रोज़गार के संसाधन आ गए कि लोगों की इनकम बढ़ गई। तो मुझे ये जो तर्क सरकार ने दिया है कि बचत जो है वो दूसरे मदों में जा रही है, होम लोन में और कार लोन में, तो ये सही नहीं है। आदमी के पास बचत है ही नहीं, बचत ख़त्म हो गई है, और आगे बचत करने के लिए पैसा नहीं है। जो पैसे अभी मिल रहे हैं हमें, वो हमें घर खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, करें तो करें क्या, नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिजनेस में आप मार्केट में चले जाइए, किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी दुकानदार से आप पूछ लीजिए, खाने पीने का सामान बेच रहा हो तो, सोना चांदी बेच रहा हो तो, कपड़ा बेच रहा हो तो, स्टेशनरी बेच रहा हो तो, जो भी सामान बेच रहा हो किसी आदमी से पूछ लीजिए मार्केट में। मैं कम से कम अपने शहर की बात कर रहा हूँ, कोई दुकानदार किसी मार्केट में ये नहीं कहेगा कि ग्राहक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पहले के मुकाबले। ग्राहकों की संख्या घट के आधी हो गई है। अब ये फेस्टिव सीजन है तो इसमें थोड़ा बहुत, पिछला साल तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, और इस साल देखना होगा कि क्या सुधार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट, मतलब आधी से भी कम हो गई है या कहीं कहीं ख़त्म हो गई है। तो जब घर घर चलाने के लिए, रोज़मर्रा की जिंदगियों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका कोचिंग का फ़ीस देने के लिए, उनके स्कूल की फ़ीस देने के लिए, उनके आने जाने के साधन के वो देने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, लोगों ने सिनेमा देखना बंद कर दिया है। जो लोग पहले महीने में 4 दिन सिनेमा देखने जाते थे, वो अब एक बार जा रहे हैं। जवान जैसी फिल्म आती है तब, या पठान जैसी फिल्म आती है तब, या गदर 2 जैसी फिल्म आती है तब। तो मुझे फिल्म हॉल में गए साल भर हो गए, साल डेढ़ साल हो गए, मैं पहले हर महीने बच्चों को लेके जाता था, बच्चे ही अकेले चले जाते हैं, दोस्तों के साथ उनको भेज दिया, हम और हमारी वाइफ घर ही में रह जाते हैं, हम पिक्चर देखने नहीं जाते। तो सवाल यह है कि एक्स्ट्रा इनकम लोगों की बंद हो गई है। अब मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आंकड़े निकलते हैं कि भाई इतने करोड़पति आज पैदा हो गए, उतने करोड़पति पैदा हो गए, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं भगवान जाने, लेकिन अच्छी बात है, अमीरों की संख्या बढ़े तो अच्छी बात है। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका, वो ज़िंदगी से जूझ रहा है। जब वो ज़िंदगी से जूझ रहा है तो बचत कहाँ से करेगा, और यही तबका है जो बचत करता है, एफडी में बचत करता है, आपके सेविंग अकाउंट में बचत करता है, गोल्ड में बचत करता है, घर में कैश रखता है, शेयर में बहुत कम जाता है। शेयर में तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से 40 आदमी भी जाते होंगे इस तबके के। तो पैसा नहीं है भैया तो बचत कहाँ करें, और थोड़ा बहुत पैसा है भी तो किस्तों में जा रही है, अगर हमने लोन लिया हुआ है या कार लोन लिया हुआ है तो वो उसमें जा रही है। तो महंगाई एक उसका प्रमुख कारण है, ये भी है। महंगाई जो है, ये महंगाई की समस्या तो
बहुत पुरानी है, 50 सालों से भी ऊपर है। हाय महंगाई, हाय महंगाई, तुझे मौत आई, तुझे मौत क्यों ना आई। रोटी कपड़ा मकान अपने भारत कुमार मनोज कुमार जी का, मनोज कुमार जी की फिल्म थी रोटी कपड़ा मकान। तो ये गाना तो 1974 से गाया जा रहा है, 50 साल हो गए। तो महंगाई की समस्या वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और अगले 50 साल तक भी रहेगी मुझे लगता है। तो इनकम कैसे बढ़े लोगों की, खासकर मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास से छोटे लोगों की, सारा बचत का पैसा जिनका ख़त्म हो गया है कोरोना काल में, अब वो किसी तरह अपना खर्च चला रहे हैं, किसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक ये बचत का आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले, ये नहीं बढ़ेगा। तो मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, उसके आधार पर मैंने ये आपको बताया है। आप भी अगर मेरे उससे सहमत हों तो ज़रूर बताइएगा। चलिए छोड़िए बचत की बात, बचत तक रहने दीजिए। समय को बचाते हुए हम दूसरे खबर पे जाते हैं। दूसरा खबर, अच्छी खबर ये है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया है। 214 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में वोट दे दिया है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया। मौजूदा सभी, वहाँ पे मौजूद जो सभी 214 सांसद ने बिल के समर्थन में वोट दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। लोकसभा में बुधवार को ये पास हो गया था, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अब जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने शुक्रिया कहा सब लोगों को। महिला आरक्षण बिल के संसद के पास होने पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ खुशी जाहिर की बल्कि बिल पास कराने में सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों का आभार जताया। पीएम ने महिला बिल के पास होने को भारत की संसदीय यात्रा के स्वर्णिम पल करार, गोल्डन मोमेंट कहा उन्होंने इस पल को, और इसी वजह से उन्होंने शायद ये स्पेशल सेशन भी बुलवाया था। और उन्होंने कहा कि इस पल के हकदार सभी राजनीतिक दल और सभी सांसद हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं। तो चलिए हमारी भी बहुत बहुत बधाई, महिला आरक्षण बिल पास हो गया। अब इसमें जो दो क्लॉज हैं, एक तो जनगणना का और दूसरा परिसीमन का, उम्मीद करते हैं कि अब जब इनकी सरकार तीसरी बार बनेगी, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, और अभी तक का जो हिसाब किताब है उससे तो यही लगता है कि ये दोबारा मतलब तिबारा बन जाएंगे प्रधानमंत्री। आगे क्या होगा ये कहना बड़ा, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, ये कोई नहीं कर सकता। भारतीय जनता के जो है, आम आदमी के मन में क्या है इसका आकलन तो बड़े बड़े सूरमा नहीं लगा सकते, मैं क्या लगाऊंगा। तो बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसके बाद उम्मीद ये की जाती है कि आएंगे तो जल्द से जल्द जो है परिसीमन का, पहले जनगणना का और परिसीमन का हो जाए, साथ ही साथ जो कांग्रेस की मांग है कि इसमें ओबीसी का कोटा दिया जाए, महिला ओबीसी आरक्षण जो है वो दिया जाए। एससी एसटी के लिए तो है 44 सीटें 181 में, लेकिन ओबीसी और उनको भी दिया जाए, तो ये सब भी हो जाएगा मुझे लगता है। और उसके बाद परिसीमन हो जाएगा। परिसीमन को लेके एक सवाल अभी से थोड़ा सा उठने लगे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपका, लेकिन थोड़ा बहुत समय 2 मिनट लेना चाहूँगा परिसीमन की बात को लेकर। परिसीमन में साउथ के जो स्टेट हैं, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये परिसीमन को लेके कितना सहयोग करेंगे और परिसीमन का जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर जो है वो आरक्षण लागू होगा और संभवतः लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में भी बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नई वाली संसद बनी है उसमें जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, करीब 1000 से ऊपर की है। तो इसके मायने ये लगाए जा रहे थे कि आगे चलकर हो सकता है कि परिसीमन के बाद जो है वो लोकसभा के सीटों की संख्या बदले और इसमें बढ़ोतरी हो। तो ये बढ़ोतरी जो होगी, जो मेरे पास प्राथमिक जानकारी है या मेरे नॉलेज के हिसाब से, ये जनसंख्या के आधार पे होगी।
तो जनसंख्या के लिहाज से आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो नॉर्थ के स्टेट हैं, इनमें ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है सीटों की संख्या यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कर्नाटक और केरला जैसे राज्य या तमिलनाडु जैसे राज्य जहाँ पर जो है वो फैमिली प्लानिंग कह लीजिए कि एक तरह से थोड़ा ठीक ठाक उन्होंने अपनाया है, या जो भी कारण हो उसकी वजह से उनके उनके आबादी उतनी नहीं है, तो आबादी नहीं होगी तो उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी या कम बढ़ेंगी, तो क्या वो इसके लिए तैयार होंगे कि मतलब एक सवाल होगा बहुमत और अल्पमत का कि भैया यह नॉर्थ इंडिया का बहुमत हो जाएगा और साउथ इंडिया का जो है वो अल्पमत में हो जाएगी, तो क्या इस तरह की सिचुएशन के लिए वो तैयार होंगे। मुझे लगता है अभी ये दूर की कौड़ी है, लेकिन ये एक समस्या परिसीमन के दौरान आ सकती है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि परिसीमन की प्रक्रिया जो है वो लटक भी सकती है, उसमें देर भी हो सकती है। बहरहाल क्या होता है कैसे होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सवाल बड़ा उठेगा। कल एक बहुत ही जानकार आदमी से मेरी बात हो रही थी, बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह है, और उनका ये उसी पे बात हो रही थी, तो उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे ये आशंका जताई थी कि ऐसा होने की आशंका है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये सवाल उठ सकता है। तो बहरहाल देखते हैं परिसीमन का क्या होता है, जनगणना का क्या होता है, जनगणना के बाद परिसीमन का क्या होता है, तो ये दूर की कौड़ी है। और बढ़ते हैं आगे तीसरी खबर पर। भारत और कनाडा के रिश्ते गड़बड़ होते जा रहे हैं या हो गए हैं आप कहिए। तो अब जो है नया डेवलपमेंट ये है कि कनाडा ने जो है वो भारतीयों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, या अपने नागरिकों को भारत जाने के लिए वीज़े पर रोक लगा दी है, और कनाडे के जो नागरिक हैं उनके वीज़ा पर भारत ने रोक लगा दी है। कल ट्रूडो ने कह दिया कि साहब वो जो है हमारी धरती पे जो है किसी बाहरी आदमी का आके और हमारे नागरिक की हत्या जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ऐसा कुछ बयान उनका कल मैं रात को देख रहा था उसमें अमर उजाला के ऐप पे। और भारत ने दो टूक कह दिया कि भैया तुम्हारे जो स्टाफ हैं या राजनयिक हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, इनको कम करिए, जितना हमारे तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं उतना ही जो है तुम्हारे बंदे हमारे यहाँ रहेंगे, उन बाकी को ले जाओ वापस। तो एक तरह से रिश्तों में तनाव का ये एक नया वो हो गया है, महज एक आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर। अब भारत सरकार ने दो कदम उठाए हैं, भारत ने कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस को फिलहाल अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए सभी कैटेगरीज के वीज़ा अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिए हैं, इनमें ई वीज़ा शामिल है। वैध वीज़ा जिनके पास है वो यात्रा के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब अगर आपके पास वीज़ा है कनाडा, मतलब भारत का नागरिकता है और वीज़ा है, तो आप आ जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास जो कनाडा नागरिक बन गए हैं और जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है या वीज़ा भारत का नहीं है, तो वो नहीं आ पाएंगे। तीसरे देशों में रहने वाले कनाडाई नागरिकों पर भी ये नियम लागू होंगे, मतलब आप कहीं और रहते हैं और कनाडा के सिटीजन हैं तो भी इंडिया नहीं आ सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हिंसा भड़काने और कनाडा सरकार की निष्क्रियता के चलते ऐसा माहौल बन गया है कि हमारे हाई कमीशन और काउंसलेट के काम में बाधा आ रही है, जिससे वीज़ा जारी नहीं हो पा रहा है। कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा भारत ने कनाडा से कहा कि वह भारत में अपनी राजनयिक मौजूदगी की समीक्षा करें, क्योंकि रैंक और संख्या के मामले में दोनों तरफ समानता होनी चाहिए। गौरतलब है कि कनाडा के पीएम ने अलगाववादी निजर की हत्या में भारत पर आरोप लगाए हैं। ठीक है, इस बीच एक नया डेवलपमेंट कल रात में हुआ था। पंजाब के सबसे वांछित अपराधियों में से एक गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की अज्ञात लोगों ने कनाडा के विनिपेग शहर में हत्या कर दी। सूत्रों ने कहा कि इसे गैंगवार का परिणाम माना जा रहा है। गैंगस्टर के खिलाफ हत्या और डकैती सहित 18 मामले थे। ये घटना ऐसे समय हुई है जब अलगाववादी नेता निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में राजनयिक विवाद चल रहा है।
सुखा दुने के दविंदर बम्बिहा गिरोह का सक्रिय सदस्य था और कनाडा में गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्श दल्ला, गैंगस्टर लक्की पटियाल और अन्य अपराधियों का करीबी बताया जाता था। तो ये है साहब, अब सवाल ये उठता है कि एक प्रधानमंत्री देश का, मतलब भारत पे इस तरह के आरोप मुझे लगता है कि आज तक पाकिस्तान छोड़ के और तो किसी कंट्री ने नहीं लगाया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान ही एक है जो कहता है भारत के जवाब में कि साहब उसने हमारे टेररिस्ट हमारे देश में भेज दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, जो भी किया है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। तो वो तो कश्मीर को लेके है, लेकिन बाकी कोई देश मुझे नहीं लगता कि इस तरह का आरोप उसने कभी भारत पे लगाया हो, मतलब मीडिया के अलावा किसी अधिकारी ने, यहाँ तक मतलब प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोग या राष्ट्राध्यक्ष के पद पे बैठे लोग, किसी ने, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने ये आरोप भारत के ऊपर लगाया हुआ कि भैया उसने, उसके अधिकारी या उसके आदमी जो है हमारे देश में, हमारे देश के नागरिक को मारने में जिम्मेदार हैं, उसकी जांच चल रही है। तो ये बड़ा ही अजीब मामला है और मुझे नहीं लगता कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो जिनके साथ या जिनकी कंट्री के साथ हमारा विवाद पिछले 7-8 सालों से तेज हो गया है, तमाम तरह के इश्यूज़ हैं उसको लेके, तो ऐसा नहीं होगा कि कनाडा के पीएम ने बिना सोचे समझे ये बयान दिया होगा। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उन्होंने अपने दोस्तों यारों से, अब दोस्त यार में तो I5 एक संस्था है जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और एक कंट्री और कोई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA और ब्रिटेन, 5 हैं ये। तो कनाडा जैसे देश की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अकेले दम पे इस तरह का बयान वो भी संसद में दे, और वो भी एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति का। तो अब पता नहीं, कहीं कहीं सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि किसी अधिकारी, अमेरिकी अधिकारी का ये बयान आया था कि बयान देने के पहले उन्होंने बाइडन से बात की थी। तो हालांकि जो I5 के दूसरे सदस्य हैं वो खुल के अभी कनाडा के समर्थन में नहीं है, लेकिन मामला इतना बढ़ना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, और इतना बढ़ गया है तो इसके पीछे क्या सही कारण है ये नहीं पता चल पा रहा है, और हो सक इसका क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रूडो जो हैं वो निश्चित रूप से खालिस्तानियों, जो खालिस्तान समर्थक मूवमेंट चल रहा है कनाडा में पिछले कई सालों से, 7-8 सालों से, जिनके बारे में उनको कहा भी गया कि भैया देखो इसको संभालो, मतलब कनाडा को कहा गया, ट्रूडो आए तो उनको भी कहा गया, ट्रूडो जब दिल्ली आए तो उनको भी कहा गया, लेकिन ये बंदा सुन नहीं रहा है। और इसको तो कई बार ऐसी जगह देखा गया है जहाँ पे खालिस्तान समर्थक झंडे वंडे लगे हों, कनाडा में अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ भी ये गए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका ये वोट बैंक है, खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं वहाँ पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ट्रूडो की पार्टी का वोट बैंक है, उसमें जो इनका सरकार बना है कनाडा में उसमें भी एक पार्टी DNB करके कोई पार्टी है जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है, खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़ी रहती है, तो उसके साथ ये बने हैं। तो सरकार बनने के लिए, अपना बचाए रखने के लिए, बनाने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का बयान इन्होंने दिया होगा ताकि माहौल उनके पक्ष में रहे, लेकिन इससे इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जन्म दे रहे हैं। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, हाँ, और जस्टिन ट्रूडो ये ना समझें कि वो अमेरिका हैं या ब्रिटेन है, 4 अरब डॉलर का कारोबार भी होता है हमारा कनाडा से, और हम इतना सामान कनाडा को शायद भेजते हैं और कनाडा से भी उतना सामान यहाँ आता है, तो सिर्फ एक आदमी के वजह से इतने रिश्ते ख़राब हो जाएंगे ये थोड़ा सा, मतलब आप खुद सोचिएगा। तो इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ खुल के आए, लेकिन ये है कि अब मामला जो है बिल्कुल 36 का हो गया है, और क्या होता है इस पर डेवलपमेंट देखना होगा, और मुझे उम्मीद है कि भारत, हमारा जो देश है और जो हमारा विदेश मंत्रालय है, इस मामले में बिल्कुल जो है वो आक्रामक मुद्रा अपनाए रखेगा, कनाडा को अपनी हैसियत पर लाएगा। बहरहाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इस पे नज़र हमारी बनी रहेगी, आप भी नज़र बनाए रखिए। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही,
बहुत प्यार मिल रहा है आपका हमें और बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही हैं। मेरे सब्सक्राइबर मुझे लगता है एक दो दिन में 20,000 से ऊपर चले जाएंगे। ये सब आपका प्यार है, दुलार है और इसको बनाए रखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। फिर आपसे निवेदन है कि आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार।